इंदौर के केंद्रीय जेल में महिला कैदी एक बेहद उम्दा काम कर रही है। जेल में बंद महिला बंदी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पिछले 10 सालों से महिला बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए 2 एनजीओ काम कर रहे हैं। इस बार इन राखियों को जवानों की कलाई पर बांधा जाएगा। सेंट्रल जेल अधीक्षक डॉक्टर अलका सोनकर ने बताया है कि राखी बनाने के लिए कच्चा मटेरियल इंदौर और उज्जैन की संस्थाएं उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि कुछ जन सहयोग भी हो रहा है। मैम, जेल में राखी मेकिंग करवाई जा रही है, फौजियों को भी राखी भेजी गई है, किस तरह से ये राखी के रिलेशन में कार्य? पिछले 10 दिनों से जेल में महिला बंदियों को राखी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 2 एनजीओ वर्क कर रहे हैं और एक उज्जैन का एनजीओ है संगिनी और एक एनजीओ इंदौर से है। इनके द्वारा पहले महिलाओं को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और उज्जैन का जो एनजीओ है वो हर साल जो है बॉर्डर पे राखी बांधने के लिए उन्हें भारत सरकार से परमिशन मिलती है, वो जाते हैं। और इस बार हमारी जेल की बनाई हुई राखियों में से महिला बंदियों द्वारा बनाई हुई 200 राखियाँ बॉर्डर पे जाएंगी सिपाहियों को राखी बांधने के लिए। ये मटेरियल कहाँ से अवेलेबल करवाते हैं उनको और इसके अलावा भी और प्रोडक्ट हैं? मटेरियल दोनों एनजीओ द्वारा हमें प्रदान किया गया, इसके अलावा कुछ जन सहयोग से लिया, कुछ हमने शासकीय भी लिया है। और 200 राखी बॉर्डर पे भेजने के बाद में जो भी हमारा राखी बनी हुई है उसको हमने अपने जेल के आउटलेट में बाहर रखा हुआ है, जिसको आम व्यक्ति भी बाहर से परचेज कर सकता है। प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसके अतिरिक्त, और भी प्रोडक्ट जो जेल में निर्मित हैं, जिसमें जूट के बैग हैं, मैक्रम के बैग हैं, तोरण भी है, इसके अलावा पर्सेस रखे हुए हैं, दरी हैं, चादरें हैं, वो आउटलेट पे अभी उपलब्ध हैं। और राखी के 2 दिन पूर्व बेसन के लड्डू और आटे के बने हुए शुद्ध लड्डू भी वहाँ पे रखे जाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्कुल आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों सहित हमारा, चूँकि बंदी जो है जेल में, ये छूट करके जब बाहर जाएं ये आत्मनिर्भर बने, अपने पैर पे खड़े हो सके, इसलिए इन्हें छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों से जोड़ करके इन्हें कौशल विकास का एक रूप के तहत बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तब जब ये बाहर छूट के जाएं तो ये कम से कम अपना रोजगार स्वयं अर्न कर सके। महिला बंदियों की बनाई गई इन सभी राखियों को शहर के विभिन्न आउटलेट पर भी रखा जाएगा। राखियों के अलावा जून और लेदर बैग, चादरें भी स्टॉल के माध्यम से बेचा जाएगा। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के मुताबिक इंदौर के सेंट्रल जेल में बनी बेसन और आटे से बने लड्डू भी आउटलेट पर रखे जाएंगे। देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, इस तरह के प्रशिक्षण कहीं न कहीं इन महिला कैदियों को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।